ऑल राइट, तो जो मेरी दुबई की ट्रिप है, दुबई का सफ़र मेरा ख़त्म होता है आज। मेरा दुबई में आखिरी दिन है, डेजर्ट सफारी हो गया, सब चीज़ हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैंने दुबई में आके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इवन मैंने यहाँ पे देखा, जब आप ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस्ड, कुछ अचीव करे हुए इंसान से मिलते हैं, उनसे आप बात करते हैं, तो वो जब अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, आपको फ़ील होता है कि भाई अभी तक तो आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। आप जो ये थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मैं खुद को कह रहा हूँ, जो भी हम इन्जॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये बस चल रही है यार। दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं तो अभी यहीं हूँ। मैं देखा कि यार बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत चीज़ें बाकी अचीव करने के लिए, और जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको बिज़नेस आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप दुबई आइए और एक्सप्लोर करिए, ऐसा नहीं। आपके आसपास में भी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, आप उसको यूज़ करिए, अपना दिमाग लगाइए। बॉडी है, दिमाग है, उसको यूज़ करना है। आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, आपको लैंग्वेज अच्छा रखना है, और लोगों से मिलजुल के जब आप रहेंगे ना, तो आप लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, क्योंकि वी आर ग्रोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ समवन। ठीक है, तो यही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब जो भी चीज़ें सीखी हैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मे बी मैं, लेकिन अभी तो मैं यही चीज़ बोल सकता हूँ, दिस वॉज माई बेस्ट ट्रिप। इसलिए नहीं कि ये इंटरनेशनल है, बट इसलिए मैं जिन लोगों से, जितने सिक्स मैंने बात सीख, जो मैंने बात करी उन लोगों से, सुना कि भाई आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसी बातें करते हैं ना, तो मैंने देखा कि यार हमारी मेरी थिंकिंग लेवल तो अभी तो यही है, उनकी मतलब बहुत अलग लेवल पे है। सो ईगो पे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई हमें कहता है कि अरे आपको भी नहीं आता ये चीज़, ये हम क्या करते हैं इंडियंस, ईगो पे ले लेते हैं, मुझे ऐसा बोल दिया इसने, बट नहीं, उसको आप दिमाग पे लीजिए और सोचने की कोशिश करिए, उसको बुरा नहीं लीजिए। आप समझिए कि भाई ऐसा क्यों बोला होगा इसने, और उसमें वर्कआउट करिए, आप ग्रो करिए। लाइफ में आपका सबसे बड़ा गिफ्ट पता है आपको क्या होता है? कोई आपको आपकी मिस्टेक बता देता है ना, वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है, कि कोई आपको आप बता रहा है कि तुम किस में इम्प्रूव करो। आप खुद नहीं देख सकते, लेकिन किसी ने बता दिया, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि तुमने, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस पर वर्कआउट करूँगा, मैं इसमें इम्प्रूव करूँगा। दिस इज़ द पॉजिटिव वे टू टेक द क्रिटिसिज्म। ठीक है, खैर मुझे किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। ये मैंने इन लोगों से सीखा है। आज हमारी एक शेख साहब थे, उनका कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनसे हमने 40 to 45 minutes बात करी। ब्रिलियंट, जो भी चीज़ें उन्होंने गाइड करी हैं, बेस्ट था। खैर ये है डेजर्ट सफारी, खत्म आ ये ट्रिप। अभी मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ निकाली, मैं दिखाऊंगा। बाय बाय।